देखिए जो भी रिजल्ट आया है तो जनता का जनादेश है, उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा और करना चाहिए स्वीकार। दोनों तो स्वीकार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सर फेल रहा और आप इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस अलग लड़ा, सपा भी लड़ा, तो क्या 2024 के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए? इंडिया गठबंधन 2024 के लिए ही बना है और इंडिया गठबंधन 2024 में हमारे सभी राष्ट्रीय नेता से बातचीत करेंगे और 2024 की तैयारी करेंगे। सर, इतनी बड़ी हार के बाद क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो अगले चुनाव 2024 तक एकजुट रह पाएगा या फिर बिखर जाएगा? देखिए, हम देखिए पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इसे और सभी को सबक लेना चाहिए और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। सर, इतनी बड़ी हार के पीछे वजह क्या मानते हैं आप? विपक्ष की इतनी बड़ी हार और बीजेपी की इतनी बड़ी हार, इसकी हमारे सभी लोग समीक्षा कर लेंगे, समीक्षा करेंगे। इस तरह से कमलनाथ जी ने एक बयान भी दिया था अखिलेश यादव के खिलाफ, अपमानित भी किया गया था कि अखिलेश अखिलेश क्या है और उन्हें कौन जानता है, तो क्या ये बयान भी इस चुनाव में विपक्ष को कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है क्या? इसको देखते हैं। कुछ नहीं, क्या सबको सबक लेना चाहिए, मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। सर, क्या सर यूपी में जो सरकार चल रही है, यूपी की सरकार को आप किस तरह देख रहे हैं, उनकी कार्यशैली कैसी? देखिए, हर तरह से देखिए, आपने देखा होगा बजट खर्च कर नहीं पा रहे, बजट ये 30% से ज़्यादा बजट खर्च कर नहीं पाए। तो आप लोग जानते हो कि ये सरकार तो पूरी तरह से फेल है, लाइन आर्डर के मामले में तो फेल, और जितने भी उन्होंने वादे किए थे कोई वादा अभी तक पूरा किया नहीं। सर, राजस्थान लोगों को नौकरी दे दी, कितने लोगों को नौकरी दी है? देखिए, नौकरी तो दी नहीं उन्होंने, जो कहा था कि हम 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे, तो अब 9 साल हो चुके हैं सरकार, तो 18 करोड़ लोगों को नौकरी अगर दिए होते। 2024 का चुनाव यूपी में सर, क्या इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा करके सपा लड़ेगी? अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेता फैसला ले लेगा, अभी तो समय है। सर, राजस्थान में एक बार फिर एक योगी एक संत जो है वो मुख्यमंत्री चुनाव चुने जाने वाले हैं, बालक नाथ बाबा को चुनाव मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो एक बार फिर आदित्यनाथ योगी की तरह ही एक बार फिर राजस्थान में योगी की सरकार बनने जा रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? अब देखिए, बनने दो, जब बनेगी तो, अब तो उनका बहुमत है तो वो बनाएंगे, किसी को भी बनाएंगे। अच्छा, उसमें वो सोचेंगे, कांग्रेस के लोग सोचेंगे, अब हम लोग थोड़े उसमें कोई दखल देंगे। सर, उनका बयान भी आया है, सर बालकनाथ बाबा का एक बयान भी आया है कि जो माफिया है, जो अपराधी है, वो राजस्थान छोड़कर के चले जाए और वो कर्नाटक और बंगाल चले जाए, वो सीधा उनका संकेत है कि कर्नाटक और बंगाल में जिस तरह से अपराधियों का शरणस्थली बनी है, तो यहाँ के अपराधी राजस्थान छोड़ करके बंगाल और राजस्थान चले जाए, इस बयान को कैसे देखें? अब उन्हीं से पूछना, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, ये सवाल तो नहीं से करना। मुझे नसीहत दी है कि विपक्ष विरोध के बदले विरोध का भावना रखे, अपने अंदर सकारात्मक रूप एक्तियार करे, कैसे देखते हैं? अब पूरा देश देख रहा है और उम्मीद क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, यही उम्मीद है। सर, इतनी बड़ी हार हुई है सर, क्या लगता है कि 2024 में अगर विपक्ष को चुनाव जीतना है तो मायावती को साथ आना पड़ेगा और इसके लिए देखिए, हम उत्तर प्रदेश को, मैं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए, मायावती साथ आएगी सर? बिना मायावती के लिए लगता है कि बीजेपी को रोकना मुश्किल होगा यूपी में? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन से चाहेंगे इंडिया गठबंधन मजबूत हो, और मायावती जी से तो पहले जो बीजेपी से दूरियां बनाए, पहले दूरियां बनाए बीजेपी से, ये बात कर लेना आप लोग। सर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार मंत्रिमंडल में, सर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार मंत्रिमंडल में शामिल होने का
वो डेट दे चुके हैं, संकेत दिए हैं। अब एक बार महाराज जी से हम फिर उनकी सिफारिश कर देंगे, जल्दी इन्हें ले लो।